हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज नवोदय विद्यालय का। आप इंडिया के किसी भी स्टेट को हो तो आपको नवोदय के अगर आप नवोदय का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं तो उसका रिजल्ट आ गया है, जिसको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप यूपी के किसी भी स्टेट के हैं और उसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं आप स्टेट चूज करके और डिस्ट्रिक्ट में आप जा सकते हैं और अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास हो गए होंगे तो आपका नाम होगा लिस्ट में, अगर नहीं होंगे तो नहीं होगा। तो फ्रेंड चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप पास हुए हैं या नहीं हुए हैं, सेलेक्ट हुए हैं कि नहीं। चलिए हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद इसमें हम टाइप करेंगे नवोदय। टाइप करके आपको ये जो पहला लिंक है navodaya.gov.in, इस पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसा कि इंटरफेस आपके सामने खुल गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लिक हेयर फॉर क्लास 9th लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट रिजल्ट 2021 एंड एडमिशन फॉर्मेट। अगर आप इस लिस्ट में होंगे तो आप एडमिशन करा सकते हैं नवोदय विद्यालय में। और अगर आपको इसको डेस्कटॉप मोड में आप ओपन कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो चलिए हम डेस्कटॉप मोड में ओपन करते हैं। कॉर्नर पर 3 डॉट पर क्लिक करके उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करके अपर करके इसके बाद डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेंगे तो ये इस साइड में आएगा, जैसे पीसी में दिखता है उस तरह से दिखेगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये नवोदय का जो डेस्कटॉप साइड में दिखता है जैसा इंटरफेस, उस तरह से इसमें दिख रहा है। तो आपको ये खुल जाए, अभी नेट स्लो है इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। आपको इसको कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पे जो लिखा है क्लिक हेयर फॉर क्लास 9th लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट रिजल्ट 2021 एंड एडमिशन फॉर्मेट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो अगला इंटरफेस दिखेगा इसमें आप अपने स्टेट को देख लेंगे। आप जिस भी स्टेट के हों आप उस स्टेट पे क्लिक करेंगे और वो फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद उसके अंदर आप डिस्ट्रिक्ट देखेंगे और वहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में जिस डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई किए थे एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे उसमें अगर आप पास हुए हैं तो आपका नाम यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखिए एडमिशन फॉर्मेट आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा। अगर आप सेलेक्ट हुए हैं तो आप यहाँ पर इस फॉर्मेट को डाउनलोड करके आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा है, आपको देख लीजिए, क्लिक हेयर टू व्यू क्लास 9th लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट 2021 रिजल्ट शिलोंग रीजन ARP असम मणिपुर। उसके बाद आपको मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, आप यहाँ पे क्लिक करके अगर आप इन सभी स्टेट के हैं तो आप इनमें किसी भी स्टेट के अगर आप हैं तो आप यहाँ पे PDF जो दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पे अपना नाम आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है क्लिक हेयर टू व्यू क्लास 9th लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट 2021 रिजल्ट पुणे और रीजन गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और DNDN। उसके बाद यहाँ पर हवेली एंड दामन DU। उसके बाद यहाँ पर आप PDF पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद इस तरह से फ्रेंड आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हों, इंडिया के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हों, तो आप वहां पे आप क्लिक करके अपने डिस्ट्रिक्ट में आप जहां से अप्लाई किए हैं, जहां से एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं वहां पे आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। वहां पे आप अगर पास होंगे तो आपका नाम वहां पे होगा और अगर नहीं पास हुए होंगे, नहीं क्वालिफाई किए होंगे एग्ज़ाम को, तो आपका नाम नहीं होगा। तो हम इसमें आपको उत्तर प्रदेश का बताएँगे और आप जिस भी स्टेट के हों आप वहाँ पर PDF साइड में दिख रहा है आपको, आप यहां से अपना स्टेट चूज कर लेंगे ऊपर नीचे करके। यहां पे अगर यहां पे पहले में नहीं मिल रहा है तो आपको सेकंड में कर लेना है, फोर्थ में कर लेना है, इस तरह से। तो हम फर्स्ट में आएंगे और यहां पे देखेंगे अपने यूपी का। तो फ्रेंड इस तरह से आप हम चलिए यूपी में आपको दिखा देते हैं। यूपी में हम जिस भी स्टेट से आप होंगे आप अपने स्टेट में जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो हम चलिए यूपी उत्तराखंड देख लेते हैं। यूपी जो आगे PDF लिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। PDF पे क्लिक करने के बाद ये फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा, ये हो रहा है डाउनलोड।
तो इस तरह से आप जूम करके आप देख सकते हैं, मोबाइल से निकाल सकते हैं अपना जो आप पास हुए हैं कि नहीं पास हुए हैं, क्वालिफाई किए हैं एग्ज़ाम को या नहीं क्वालिफाई किए हैं। तो इस तरह से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और ऊपर ऊपर जो एडमिशन फॉर्मेट लिखा है, आप इसको इस फार्म को डाउनलोड करके इसको फिलअप करके आप सबमिट कर सकते हैं। इसमें आपको ईमेल पे करना है, वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कैसे करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि आप ये डाउनलोड हो चुका है। इस तरह से आप डाउनलोड अगर हुआ हो या नहीं हुआ तो आप देख सकते हैं ये हो गया है डाउनलोड। तो हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे देखिए ये पूरा दिख रहा है आपको, या इसको जूम करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश का निकाले हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एडुकेशन सेलेक्ट लिस्ट फॉर स्टेट 24 उत्तर प्रदेश। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे जवाहर नवोदय सिलेक्शन टेस्ट फॉर एडमिशन इन क्लास 9th सेशन 2021 यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी यहाँ पे नेम लिखा है, आपका कैंडिडेट का नेम लिखा है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है आप जिस एरिए के हैं, यहाँ पे बरेली लिखा है, आप बरेली, हाँ बरेली है ये, बरेली का देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है गेटवे, जिस स्टेट के होंगे आप वहाँ पे फैजाबाद का आप देख सकते हैं। तो हम संत कबीर नगर के देखने वाले हैं। इसको स्क्रॉल डाउन करके आप ऊपर नीचे करके अपने डिस्ट्रिक्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर आप क्वालिफाई कर लिए होंगे एग्ज़ाम तो आपका नाम इसमें डेफिनेटली होगा, और अगर आप क्वालिफाई नहीं किए होंगे तो आपका नाम इसमें नहीं होगा। तो हम संत कबीर नगर का देखने वाले हैं, चलिए हम दिखा देते हैं संत कबीर नगर का। यहाँ पे देखिए मऊ, बाराबंकी, बिजनौर, अलीगढ़, हमीरपुर, सभी स्टेट है इसमें, सॉरी सभी डिस्ट्रिक्ट है, हमने यूपी का देखा है तो इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ से भी अप्लाई किए हों, जहाँ पे से क्वालिफाई इसको एग्ज़ाम को दिए हों, आप वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप आपका नाम है या नहीं लिस्ट में। हम संत कबीर नगर का देखने वाले हैं तो आपको हम दिखा देते हैं। बहुत इसमें ढूंढना पड़ता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो एक एक करके आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और जिस डिस्ट्रिक्ट के हों आप वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका नाम है या नहीं है। यहाँ पे देखिए हमने संत कबीर नगर को देख लिया, यहाँ पे संत कबीर नगर है और यहाँ पे देखिए इतने लोग क्वालिफाई किए हैं इस एग्ज़ाम को। संत कबीर नगर में सिर्फ 4 लोग क्वालिफाई किए हैं। ओके, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैंडिडेट आप है उत्तर प्रदेश, इसका रोल नंबर दिखा है और यहाँ पे बॉय लगा तो उसके बाद एरिया, कैंडिडेट का नाम पवन कुमार यहाँ पे है और यहाँ पे कैंडिडेट का नाम नहीं दिख रहा है, नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अक्षिता श्रीवास्तव है। तो यहाँ पे सिर्फ 4 लोग संत कबीर नगर में क्वालिफाई किए हैं इस एग्ज़ाम को। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप कहाँ के हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के हैं और आप क्वालिफाई कर लिए हैं या नहीं किए हैं। तो फ्रेंड आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ना दबाना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह के आने वाले जितने भी वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।